फ्रेंड्स लतवारा फैशन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी इतना वेट करवाने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से मैं बहुत बिजी थी तो अब वीडियो नहीं डाल पाई। मैं फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स करा रही हूँ उसकी ये सिक्स वीडियो है आज। और आज जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, इसके बाद मैं सिखाऊंगी आपको कुर्ती की स्टिचिंग। इसे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था मेजरमेंट और उसमें क्या क्या करना है, वो सारी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। प्लीज उसको चेकआउट की जरूर कीजिएगा। अगर आप फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक हर वीडियो को देखना है। तो आपका जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स, और इसमें मैं एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगी, कटिंग एंड स्टिचिंग का कोर्स मैं करवा रही हूँ, ठीक है? फैशन डिजाइनिंग कोर्स कटिंग एंड स्टिचिंग। तो अगर आप ये करना चाहते हो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, मतलब मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा उसको। शुरू से पहली वीडियो से आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुर्ती की कटिंग किस तरह से करते हैं। उससे पहले आपको मेजरमेंट की वीडियो जरूर देखनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं और मेजरमेंट जब लेते हैं तो उसमें प्लस कैसे करना है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी, सबसे पहले जब आप कुर्ती की कटिंग सीखोगे तो आपको कोई भी एक कपड़ा, जैसे मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है, देखिए इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी ये। और जब आप बनाओगे तो कोशिश करिएगा कि आप कॉटन का फैब्रिक लें, क्योंकि कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो स्टिच करने में बहुत अच्छा रहता है। जब आप न्यू हो बिल्कुल एकदम से, तो आपको फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो ये रहा कुर्ती के लिए कपड़ा, कुर्ती का कपड़ा मैंने ले लिया है। और प्लेन में ले लीजिएगा या प्रिंट में ले लीजिएगा, लेकिन आपको लेना इसी तरह से है, कोई कढ़ाई वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर अलग तरह से कटिंग होगी। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक टेलर मार्का चाहिए, इंची टेप चाहिए और साथ में चाहिए हमें सीजर। तो चलिए अब हम कटिंग इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास ये कपड़ा है, इसको हमने क्या करना है, ये इस तरह से है, ठीक है? तो इसकी सबसे पहले देखिए मैं राइट और रॉन्ग साइड का आपको बता देती हूँ, नजदीक आइएगा थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये वाली हमारी राइट साइड है। इसमें कन्नी से आपको पता चल जाएगा ये उभरा हुआ हिस्सा रॉन्ग साइड का होता है और ये वाला हिस्सा राइट साइड का होता है। तो ड्राफ्टिंग जब हम करेंगे वो हम हमेशा रॉन्ग साइड से ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े को इस तरह से खोल दूंगी, ठीक है? अब सबसे पहले हम लेंगे अपना इंची टेप, सिंगल कपड़े में बिछाया है इस तरह से आपने बिछाना है। और ये जो कन्नी है ये हमारी लेंथ में रहेगी, ठीक है? ये हमने लेंथ में रखनी है, सिंगल में बिछा लिया है। और मैंने सबसे पहले मेजरमेंट में आपको बताया था कि हमें क्या लेना है, सबसे पहले टोटल लेंथ लेनी है प्लस उसमें 3 इंच कर लेना है, ठीक है? अब जैसे ही मेरी लेंथ जो है 42 इंच है तो प्लस 3 करना है उसमें, तो 45 मुझे यहाँ पे लेंथ रखनी है। अगर ज्यादा रखनी है तो उसे ज्यादा भी आप रख सकती हो। प्लस 1/2 इंच में रखूंगी यहाँ पे ऊपर, तो 45.5 इंच मुझे लेना है, या 46 भी ले सकती हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा टोटल लेंथ प्लस 3 इंच मार्जिन के लिए, तो और प्लस 1/2 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा ऊपर, तो 46 में टोटल यहाँ पर लूंगी। तो अब देखिए हमने इस तरह से इसको कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा वो हमने नीचे की तरफ रहने। देखिए हमारी ये टोटल लेंथ हो गई है, ये देखिए डबल लेयर में है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हमने कट कर लेना है, लेकिन कट करने से पहले हमने क्या करना है, इसको हमें एक बार फिर से नाप लेना है कि हमने जितनी लेंथ ली है उतनी है या नहीं। टोटल लेंथ जितनी भी आपको लंबाई पहननी है उसमें प्लस आपको 3 इंच करना है, जब आपको 1/2 इंच और कर लेना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देखिए 46 इंच इसको रख रही हूँ, और 46 से भी मैंने थोड़ा ज्यादा रख दिया है ये, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लेंथ और पहननी है। बीच से भी आपने उतना नापना है, इधर से भी और इधर से, पूरा बराबर आना चाहिए। अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं आएगा ना तीनों में, तो आपकी जो कुर्ती है वो फिर घूमेगी। ये कारण ये होता है, जैसे आपकी कुर्ती एक साइड को हो जाती है वन साइड में, तो इसके बजाय उसका कारण ये होता है। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने कट कर लेना है। अब हम यहाँ से अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये 2 लेयर में हमारा कपड़ा है, और एक बात मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ड्राफ्टिंग हमारी हमेशा होती है रॉन्ग साइड से। अब हमने क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो कुर्ती का पल्ला है, जो बॉटम है, उसको आपने मेजर कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर ही आपको बता देती हूँ मेरी जो कुर्ती का बॉटम है, ठीक है? जितना किसी को बॉटम पहनना है
कुर्ती का जो पल्ला है, ठीक है। जैसे मेरा है यहाँ पर ये 21.5 इंच, तो मैं 22 इंच पहनना चाहती हूँ, उसके लिए ये 22 मुझे रखना है और उसमें प्लस 3 इंच करना है, ठीक है। 22 प्लस 3 हो गया 25 इंच, तो मुझे 25 ये रखना है और उतना मुझे इसको फोल्ड कर देना है। यहां मैं 25 पे निशान लगाऊंगी और यहां भी मुझे मार्क कर देना है 25 पे, और इधर भी मुझे 25 पे ही मार्क कर देना है। ये देखिए, इससे मैंने मार्क कर, हमने अपने कपड़े को उठाना है और जो हमने 25 पे निशान लगाया था वहां पे हमने इसको इस तरह से रख देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने रख दिया ये, और ये भी एकदम से बराबर होना चाहिए। ये देखिए, ये जो कपड़े की लेयर है ध्यान से देखिए, इसके ऊपर है जो निशान मार्क हमने किया था, ये इसके ऊपर है, और ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर, देखिए यहाँ पे जो हमने 25 पे निशान लगाया था उसको हमने, अब हमारा जो कपड़ा है वो 4 लेयर में हो गया। देखिए 1, 2 और 2 लेयर हमारे नीचे है, तो 4 लेयर में हमारा ये कपड़ा अब हो गया है। अब हम करेंगे ड्राफ्टिंग अपनी। पहले देखिए हम यहाँ पर ऊपर अब ड्राफ्टिंग करेंगे, तो ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1/2 इंच, आधा इंच हमने यहाँ पे ले लेना है और इसको सीधा देखिए यहाँ पे मिला लेना है, इस तरह से सीधा हम निशान लगा लेंगे। अब मैं इसको डार्क कर रही हूं ताकि आपको इजीली दिख जाइए कैमरा पे। ये देखिए यहां पे हमने आधा इंच लिया और इसको सीधा देखिए लाइन में आगे मिला लिया। अब मेजरमेंट में, जो सेकंड मेजरमेंट मैंने आपको बताया था उसमें मैंने बताया था आपको अक्रॉस शोल्डर मतलब तीरा, तो तीरे का कितना लेना है, अब तीरे का लेना है हमने 1/2 ऑफ अक्रॉस शोल्डर, तीरे का आधा लेना है। अब जितना भी मान लीजिए किसी का तीरा है, जैसे मान लीजिए मेरा तीरा है 13 इंच, 13 इंच का आधा कितना हुआ 6.5 इंच, तो मैं कितना लूंगी 6.5 इंच, यहां से आपको आगे लेना है 6.5 इंच और उसपे मार्क कर लेना है। याद रखिए इस लाइन से आगे को हमने लेना है 6.5 इंच और इसको हमने मार्क कर लेना है। अब उसके बाद हम नीचे की तरफ लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल मैंने आपको बता दिया था स्टैंडर्ड हमारा जो आर्म होल है वो रहेगा 7 इंच, चाहे आप मतलब 42 के लिए बना रहे, 42 तक आपने क्या करना है 7 इंच रखना है, 32 तक आपको कितना रखना है आर्म होल 7 इंच ही रखना है। तो ये स्टैंडर्ड होता है और यहां से भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे जो हमारा आर्म होल रहेगा, यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क किया। अब यहां से आगे हमने तीरे का, जितना हमारा तीरा यहाँ पे हमने लिया है ऊपर 6.5 लिया है, तो यहां से भी हमने 6.5 पे निशान लगाना है। ये देखिए इसको इस तरह से निशान लगा लेना है, ये हमने निशान लगा लिया। अब यहीं से ऊपर को भी हमने निशान लगा लेना है, ये हमने निशान लगा लिया। ये देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां से आगे को हमने क्या लिया, तीरा लिया, एक्रोस शोल्डर लिया, ठीक है, 1/2 ऑफ एक्रोस शोल्डर मतलब तीरे का आधा हमने लेना है। उसके बाद यहां से नीचे, और एक बात और बता देती हूं, कभी भी आपने खुली साइड से ड्राफ्टिंग नहीं करनी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे खुली साइड मेरी इस तरफ को है और मैं जो ड्राफ्टिंग कर रही हूं फोल्डेड साइड से है, ठीक है, ऑन फोल्ड साइड से ही आपने हमेशा कोई भी चीज बनती है तो ऑन फोल्ड साइड से ही ड्राफ्टिंग होती है। तो फोल्डेड साइड देखिए जहां पे फोल्ड है वहां से ही हमने ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है, तो ये मैं बताना भूल गई थी आपको। तो यहां से नीचे लिया मैंने आर्म होल लिया मैंने 7 इंच और मैंने बता दिया आपको 32 से लेके आप 42 तक 7 इंच ही रख सकते हो, ठीक है, उसके बाद 7.5 इंच रख सकते हो, 8 इंच रख सकते हो, जैसा भी किसी को सही रहता बैठता है। और उसके बाद यहां से आगे को हमने फिर से जितना तीरा यहां से लिया उतना ही हमने यहां से आगे को लिया और यहां से ऊपर को हमने आर्म होल लिया और इसको बॉक्स की शेप में मिला लिया, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हमारा इंची टेप, अब हमने यहाँ पे देखिए जो हमारा 1/2 इंच है वहां पे हमारा इंची टेप इस तरह से रहेगा, यहाँ पे हमने इंची टेप को रख दिया। अब यहां से नीचे हमने सबसे पहले लेनी है अपनी जो कमर की लंबाई है, वेस्ट लेंथ है वो लेनी है, उसके बाद हम लेंगे अपनी हिप लेंथ, ठीक है। तो वेस्ट की लंबाई मैंने आपको स्टैंडर्ड बताई है 14 इंच,
ठीक है, 14 या 13.5 अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप 13.5 रख सकते हो, या फिर आप हाइट आपकी ठीक है तो आप 14 इंच रख सकते हो, या आप नाप भी सकते हो हिप की जो सॉरी वेस्ट की जो लेंथ है उसको नाप भी सकते हो। तो सबसे पहले देखिए हमने 14 इंच पे निशान लगा लिया, उसके बाद दूसरा निशान हमने लगाना है तो हिप की जो लेंथ है वो मैं रखूंगी 21.5 इंच, ठीक है, जहां से आपको साइड चाक चाहिए और जहां से हमने हिप लेंथ लेनी है, आगे को हिप की जो राउंड हिप है वो भी लेनी है। तो ये हो गया, यहां से नीचे को मैंने लिया 14 इंच पे मैं कमर लूंगी और उसके बाद 21.5 पे मैं लूंगी जो हमारी हिप की लेंथ है वो। अब यहां से सबसे पहले हम यहां से ऊपर देखिए जहां पे हमने ये आर्म होल लिया था और उसके आगे हमने ये ऊपर तीरा लिया था, यहां से आगे तीरा लिया था, वहां से अब हमने अपनी जो राउंड बस्ट है वो लेनी है। तो राउंड बस्ट किस तरह से लेंगे, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट प्लस 1/2 इंच, ये जो हमारी छाती है उसका चौथा हिस्सा हमने लेना है प्लस हमने उसमें आधा इंच कर लेना है। जैसे मान लीजिए 34 है मेरी, तो 34 का आया 8 × 32 प्लस उसमें आधा करेंगे तो 8.5 आ गया, ठीक है, और प्लस उसमें 1/2 इंच अपने मार्जिन के लिए रखना है तो वो आ गया हमारा 9 इंच। जब हम आधा उसमें और करेंगे तो ये आ गया 9 इंच। तो 9 इंच हमने यहाँ पे लेना है देखिए, और यहाँ पे सीधा इसको लाइन लगा देनी है आगे तक, जहां पे 9 आ रहा है वहां पे हमने इस तरह से मार्क कर देना है। ये देखिए, तो ये आ गई हमारी राउंड बस्ट, ठीक है, 1/4 ऑफ राउंड बस्ट प्लस 1/2 इंच ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमने वेस्ट की लेंथ का निशान लगाया है 14 इंच पे, वहां से आगे हम लेंगे राउंड वेस्ट। तो राउंड वेस्ट में पूरा ही लूंगी, जैसे 8 × 32 है मेरी तो मैं पूरी 8 ही रखूंगी इसको, से मैंने लेना है पूरा 8 ही मैं रखूंगी इसको। तो इसमें कमर में कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं होती, समटाइम हम प्लस कर भी देते हैं, समटाइम हम प्लस नहीं करते हैं, आप जब एक बार बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया राउंड वेस्ट। अब उसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे यहाँ, तो यहां से अब हमने लेनी है राउंड हिप। तो हिप का भी वैसा है 1/4 ऑफ राउंड हिप प्लस 1/2 इंच, ठीक है, तो 1/4 जैसे मान लीजिए आपकी है 38 इंच, तो 38 का आधा, 38 का आधा आपका आ गया 9 × 36 प्लस आधा हम करेंगे उसमें 9.5 आ गया हमारा 38 का प्लस आधा करेंगे तो हो गया हमारा 10 इंच, ठीक है, 9.5 हमारा उसका 4th हिस्सा आ रहा है और प्लस उसमें आधा करेंगे तो 10 इंच हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको भी हमने सीधा इस तरह से रखना है अपने इंची टेप को और यहाँ पर भी हमने इसको मार्क कर लेना है। तो अब एक बार फिर से आपको क्लियर करवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले यहां से हमने क्या लिया, यहां से हमने आगे को ली राउंड बस्ट, राउंड बस्ट प्लस उसमें 1/2 इंच किया, और यहां पे हमने ली राउंड वेस्ट प्लस उसमें 1/2 इंच नहीं करना है, आप चाहे तो कर भी सकते हो, अगर आपको लूज लग रहा है पहली बार में तो आप नेक्स्ट टाइम मत कीजिएगा। और उसके बाद हमने ली राउंड हिप, ठीक है, हिप का भी चौथा हिस्सा प्लस उसमें आधा इंच कर लिया, जैसे मेरी हिप का जो चौथा हिस्सा है वो आ रहा था 9.5 प्लस उसमें आधा किया तो 10 इंच मैंने यहाँ पर हिप ले ली। अब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे, सबसे पहले हम इसको इस तरह से मिला लेंगे, इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इनको मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मिला लिया हिप का कमर के साथ और कमर का यहाँ पे छाती के साथ, इस तरह से हमने मिला लेना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको निशान लगा लेना है अपनी टोटल लेंथ पे, ठीक है, जितनी भी आप लंबाई रख रहे हो प्लस आपने 3 इंच जो नीचे को फोल्ड के लिए रखना है, तुरपाई के लिए रखना है, वो आपको यहाँ पे ले लेना है। तो जैसे देखिए मेरे यहाँ पे 47 आ रहा है, मैंने थोड़ी सी लेंथ अपनी बढ़ा दी थी तो मैं 44 पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है, 3 इंच मेरा ये मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा इसको आपने फिर लाइन लगा लेनी है आगे को, ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, ये हमारा तुरपाई के लिए हिस्सा रहेगा जो हमारा मार्जिन में आएगा। अब यहां से हम लेंगे अपना पल्ला, जो मैंने पल्ला रखा था वैसे हिप के अकॉर्डिंग हम रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हिप रखी थी अपनी 10 इंच, तो 10 इंच रखी थी तो उसमें प्लस 1 करेंगे पल्ले में, 10 इंच रखी थी तो यहाँ पर जो पल्ला है हमारा जो बॉटम है वो रहेगा 11 इंच, ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे मार्क कर देंगे, या आप चाहे तो कुछ छोटा भी पहनते हैं तो कुछ हिप के बराबर भी रख सकते हैं, बट मैं आपको जो ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा, बाद में आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकती हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पे मैंने लिया
जितनी हमारी हिप थी उसमें प्लस 1 इंच करके मैंने यहाँ पे पल्ला ली, कि जो पूरी जो इतनी हमने हिप ली थी, जैसे मेरी हिप थी 10 इंच मैंने अपनी हिप रखी है, तो यहाँ पे हमने पल्ले पे प्लस 1 का लेना है। जितनी हमने हिप रखी है यहाँ पे उसमें प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पे 10 रखी थी तो यहाँ पे मैंने 11 इंच रख लिया पल्ले बॉटम में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे जो 10 इंच 11 इंच हमने रखा है उसको हमने यहाँ पे सीधा मिला लेना। अब देखिए ये तो हमारी हो गई, ये हमारी हो गई, जो हमारी तैयार नाप है वो हो गया। अब हमें कटिंग के लिए भी चाहिए भाई कुछ हमें मार्जिन भी लेना है, तो मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ पे छाती वाला हिस्सा है आगे आ जा, वहां से आगे हमने लेना है 2 इंच, 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। ये देखिए यहां से आगे 2 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद कमर पे आ जाइए, कमर पे भी हमने 2 इंच मार्जिन रखना है आगे को इस तरह से यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाइए हिप पे, तो हिप पे हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच। हिप पे कितना रखेंगे, 1.5। ये देखिए 1.5 रखा। अब नीचे भी हमने 1.5 ही रखना है, यहाँ पे भी हम 1.5 रखेंगे। तो मेरा ऑलरेडी ये 1.5 ही बचा है, देखिए ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1.5 लगा लेंगे। अब इसको भी देखिए हमने यहाँ से इधर मिला लेना है, फिर इधर से इधर मिला लेंगे और इधर से इधर, जैसे हमने ये मिलाया था वैसे ही हमने मार्जिन वाला भी मिला लेना। देखिए आप ये हमारी यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गई है, नीचे वाली ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ करेंगे आर्म होल, जो हमने शेप देनी है वो किस तरह से देनी है आर्म होल की, वो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ से जो ये वाली लाइन हमारी जो आर्म होल की लाइन है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे, आधा इंच हमने डाउन जाना है, आधे इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखिए यहां से हम डाउन गए, नीचे को आधा इंच पे मार्क कर लिया। अब उसके बाद यहां से लेके यहां तक जितना भी है 6.5 आपका आएगा, अगर आपने 7 इंच रखा तो 6.5 आएगा, 6.5 का हमने आधा कर लेना है, 6.5 का आधा हो गया हमारा 3.25 इंच, 3.25 हो गया। तो 3.25 यहाँ पे देखिए 3.25 इंच पे मार्क कर दिया है। अब 3.25 से अंदर वाली साइड को देखिए, यहाँ पे अनफोल्डेड साइड को हमने आधा इंच अंदर जाना है। ये हमारी कटिंग होगी फ्रंट और बैक की, जो आर्म होल की होती है वो। ये देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया आधा इंच, हमने इस लाइन से अंदर की तरफ को आना है जो अनफोल्डेड साइड है। अब इसको हम पहले इधर मिला लेंगे, देखिए जो हमने 1/2 इंच लिया था जहां से हम यहाँ डाउन आए थे वहां पे हमने इसको तिरछा इस तरह से इसको मिला लेना है, जो आधा इंच है इधर वाला उसको हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने मिला लिया। अब हम देंगे आर्म होल की शेप, तो आर्म होल की शेप हमने किस तरह से देनी है, यहाँ पे आपको जाना है, और यहां से मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप इस तरह से भी दे सकते हो, यहां से ये जो ये बीच वाली लाइन जहां पे बन रही है ये देखिए, यहां पे आपको इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहां से हम 1.5 इंच की लाइन इस तरह से लगाएंगे, 1.5 इंच की लाइन तिरछी लगाएंगे, देखिए ये देख सकते हो आप। अब यहां से बाहर से जो ये वाली लाइन है हमारी, वहां से हम पहले जो बैक हमने ये इस तरह से देनी है शेप, देखिए इस तरह से, और यहां से देखिए ये 1.5 इंच होते हुए हमारी जो गोलाई है वो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारी है यहाँ पे मिल जाएगी। यहां से थोड़ा सा नीचे आपको इसको निकालना है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको पहली बार में नहीं आएगी, प्रैक्टिस करके आएगी। ये देखिए इस तरह से हमने देनी है, और ये जो 1.5 इंच वाली हमने यहाँ पे लेके रखा था यहां से जाएगी और इधर आगे इस तरह से, जो ये वाली लाइन है यहां से अगर मैं बताऊं आपको तो आधा इंच डाउन नीचे जाएगी। अब आ जाइए अंदर में, तो ये हमारी हो गई बैक के पार्ट की, पीछे वाले पल्ले की ये हो गई, ये पीछे वाले पल्ले की हो गई, और ये है हमारे फ्रंट साइड की। तो फ्रंट की कटिंग में भी हमने सेम ऐसे ही थोड़ा सा हमने इधर से यहां तक तो हमारी तिरछी आ गई, अब यहां से 1 इंच हम एक डाउन जाएंगे ऐसे, ठीक है, यहां से 1 इंच डाउन चलेगा, 1 या 1.5 इंच। अब उसके बाद हम ये इसको भी यहां से मोड़ देंगे और इस तरह से ये इधर मिला देंगे, ये देखिए, और ये गोलाई हम आपकी इसी तरह से आनी चाहिए, तब आप समझिएगा आपकी गोलाई ये ठीक है। इस गोलाई में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको धीरे धीरे ये भी दूर हो जाएगा जैसे आप इस तरह से, और हाथ अपने आप चलता है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हाथ मोड़ोगे तो फिर वो खराब हो जाएगा, ये देखिए। अब आ जाइए ऊपर,
तो अब हम रखेंगे नेक, तो नॉर्मल जो नेक रहता है यहां से हम नेक रखेंगे, नेक की जो चौड़ाई है वो हमारी रहेगी 3 इंच, 3 इंच हमने अपना नेक रखना है, और जो आधा इंच हमने यहां से आधा इंच गए थे वहां पे हमने इसको डाउन कर देना है, यहां पे मिला देना है, ये देखिए। तो यहां पे देखिए इस तरह से हमने इसको डाउन कर देना है। अब यहां पे जो हमने आधा इंच लिया था वहां से हमने ये देखिए ये वाला जो इधर है यहां पे हमने इंची टेप को रखना है और इसको हमने आगे यहां पे मिला देना है। तो ये जो इससे तिरछी आती है उस वजह से जो आपका आप यहां से देखोगे अपने शोल्डर की शेप हमारी सीधी नहीं होती, यहां से हमारा थोड़ा सा स्लोप में होता है, उसी वजह से हमारी जो यहाँ पे कटिंग है वो भी इसी तरह से होती है। तो अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हमने ली टोटल लेंथ प्लस उसमें किया 3 इंच प्लस यहाँ पे हमने आधा इंच लेना था तो वो आपको पूरा प्लस कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया, पहले तो हमने 4 लेयर में कपड़े को बिछा लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ से आगे लिया एक्रो शोल्डर, हाफ ऑफ एक्रो शोल्डर, तीरे का आधा लिया, उसके बाद हमने यहाँ से आर्म होल लिया नीचे 7 इंच और यहाँ से फिर से हमने तीरा लिया आगे को, यहाँ से नीचे को फिर से आर्म होल लिया और इसको बॉक्स की शेप में मिला लिया। उसके बाद हमने यहाँ से नीचे को ली जो हमारी वेस्ट की लेंथ है वो, और उसके बाद यहाँ से ही नीचे को हमने ली हमारे हिप की लेंथ है वो। अब उसके बाद हमने यहाँ से ली राउंड हिप 1/4 ऑफ राउंड हिप प्लस आधा इंच और यहां से हमने आगे को ली 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट प्लस हाफ इंच, करोगे या नहीं करोगे मैंने इसमें प्लस नहीं किया है, 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट और यहां से मैंने आगे को ली 1/4 ऑफ राउंड हिप प्लस मैंने उसमें कर दिया हाफ इंच। उसके बाद यहां जाइए यहाँ पे मैंने 3 इंच मार्जिन रखा है नीचे, यहां तक टोटल लेंथ है, यहां तक यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ है और यहां से 3 इंच मार्जिन रखा है। फिर यहां से आगे को लिया मैंने जितना पल्ला मैंने कितना लिया, जितनी हमारी हिप रखी थी मैंने यहाँ पे मार्जिन के मतलब जितना मैंने 1/4 ऑफ राउंड हिप प्लस उसमें आधा इंच करके जितना भी आया होगा उसमें प्लस 1 इंच कर लेना है, जैसे मेरा 10 आया था तो प्लस 1 करके मैंने 11 इंच यहाँ पे रखा, ठीक है। उसको फिर इस तरह से मिला लिया, ये हमारी स्टिचिंग लाइन होगी जो हमारा फिटिंग लाइन होगी। और उसके बाद बाहर मार्जिन रखा है हमने, तो मार्जिन कितना रखा है, 2 इंच मैंने यहाँ से रखा, 2 इंच मैंने कमर से रखा, 1.5 इंच मैंने हिप से रखा और 1.5 इंच मैंने पल्ले से रखा। उसके बाद हमने ले लिया आर्म होल अपना ऊपर, तो आर्म होल के लिए सबसे पहले हम यहाँ से आधा इंच डाउन गए और फिर हमने इस लाइन का आधा किया, यहाँ से अंदर को हमने आधा इंच आए और इसको लाइन को तिरछी में मिला लिया, फिर हमने यहाँ से इसकी शेप दे दी 1.5 इंच की तिरछी लाइन देके, और फिर हमने अंदर जो फ्रंट का पार्ट रहेगा हमारा उसकी इस तरह से शेप दी। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए देखिए ये जो ये वाली लाइन है हमारी, यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी, इधर से बाहर वाली कटिंग करेंगे देखिए पहले इधर से, ठीक है, और यहाँ से हम कट करेंगे इसको इधर से ऐसे और नीचे तक हमने रहेगी, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको। तो ये देखिए हमारी हो चुकी है, अब हमने इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि हमें ये आसानी हो। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे जो हमारी वस्ट एरिया है वहां पे हम लगाने हैं, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे नॉच लगा देंगे, ठीक है। एक नॉच हम सेंटर पे लगाएंगे ताकि हम जब गला बनाए उसमें हमें इजी रहे, तो यहां से पकड़ेंगे और यहाँ पे नॉच लगा देंगे। अब एक यहाँ पे लगा देंगे कमर पे इस तरह से पकड़ के, ये हमारा नॉच लग गया। अब उसके बाद यहां पे लगा देंगे एक नॉच, उसके बाद यहां पे एक नॉच लगा देंगे, देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट के पार्ट की भी, लेकिन उससे पहले जो यहां पे मेरा फोल्डेड हिस्सा है उसको मैं कट कर लूंगी, यहाँ पे आपको फोल्ड दिख रहा है इसको हमने सेपरेट कर लेना है। तो उसके लिए हम सीजर को इस तरह से खोलेंगे, देखिए इसको कपड़े को खोलेंगे और सीजर को इस तरह से डाल के इसको कट कर लेंगे,
तो ये फिर आपका फ्रंट और बैक का जो पार्ट है ना वो अलग हो जाएगा। से देखिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप चाहे तो यहाँ पे मास्किंग इनको लगा सकते हो, यहाँ पे इस तरह से करके दूसरी साइड को आप मार्क ट्रेस कर सकते हो। डार्क करके ताकि जब आप स्टिचिंग करोगे आपको इजी रहे। डार्क करो दिखने का है। कोई बात नहीं। तो अब देखिए हम इनका पार्ट अलग कर लेंगे, जो बैक का पार्ट है हमारा उसको हम अलग कर लेंगे और इस पे निशान मार्क जरूर लगा दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि हमारी रॉन्ग साइड है। इसको हमने अलग कर लेना है। अब हम रखेंगे सिर्फ फ्रंट का पार्ट, इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसको एकदम से बराबर करके आपने रखना है। तो ये देखिए हमारा बराबर हो चुका है ये। अब हमने ऊपर जो यहां पे ये वाली कटिंग जो हमने ड्राफ्टिंग की है वो हमने कट करना है, ठीक है। तो उसको हम कट करेंगे, याद रखिए पहले आपने बैक का पार्ट उठा लेना है उसके बाद ही आपने ये कटिंग करनी है। तो देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट। तो इस तरह से देखिए हमारी कमीज की कटिंग यहाँ पे हो गई है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। सो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपको फिर भी सीखने में कुछ दिक्कत आ रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें समझ नहीं आया, मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट इसमें क्लियर करने की। इसके बाद हम सीखेंगे स्टिचिंग, कुर्ती की स्टिचिंग, फिर हम स्लीव सीखेंगे, उनको जोड़ना सीखेंगे, उनकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को आपको हमेशा की तरह 3 लोगों को शेयर जरूर करना है ताकि हम भी किसी की हेल्प कर पाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।